हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ना, ये टीडीएम के ऊपर है। आपका टीडीएम मैथ जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप जो मैं बता रहा हूँ वो आप प्रैक्टिस करते हो ना, और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका गेम प्ले गारंटी के साथ इम्प्रूव हो जाएगा। और मैं बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा आपको, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार, क्योंकि वीडियो सब देख जाते हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं देख करता यार। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बढ़िया वीडियो लाता रहता हूँ, तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए चलते हैं, बताता हूँ मैं आपको बेस्ट ट्रेनिंग। सो गाइस, इस वाली ट्रेनिंग में आपको इस जगह पे आना है। समझिए कि आप कवर में हैं और सामने से बंदा आ रहा है। आपने देखा होगा कि सामने से बंदा आता है, आप कवर में होते हो, आप पीक लेते हो या निकलते हो, तो क्या होता है कि सामने वाला बंदा आपको आसानी से उड़ा के चला जाता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा बेस्ट ट्रेनिंग। सबसे पहले आप अपना एम असिस्ट ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये आपके आगे बहुत फ़ायदा देगा। आपको क्या करना है, कवर में आना है, मानिए सामने से बंदा आ रहा है, किसी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, तो निकलना है और सीधा फायर देते हुए अंदर की तरफ आना है। मेरे जॉयस्टिक पे अच्छे से ध्यान दीजिए, सेम आपको वैसे ही करना है। तो इसमें आप क्राउच होके पीक देके भी अंदर आ सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, सेम आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी है, और इसकी जितनी हो सके उतनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है गाइस। ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, इससे आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। सो गाइस, इस वाली ट्रेनिंग में आपको इस जगह पे आ जाना है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सामने वाले बंदे को कंफ्यूज कैसे करना है। आपने देखा होगा कई प्रो प्लेयर होते हैं, एक तरफ से मारते हैं, वो दूसरी तरफ से निकल के मार देते हैं, वो कैसे करते हैं गाइस। ये वाली प्रैक्टिस करनी है आपको, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि मैं कर रहा हूँ ना, ये दो कवर है एक तरीके से, और सामने जो वो पॉइंट है ना, उसको मैंने बंदा समझ लिया है। तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, एक तरफ इस तरफ जाना है, उसको फायर देना है, और जाके फिर दूसरी तरफ से उसको डैमेज देना है, यानी वो ख़त्म। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे ना, बंदा सामने वाला कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि भाई यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से मार सकता है वो, और आप उसको आसानी से मार दोगे। तो सेम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है गाइस, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट वाली ट्रेनिंग में आपको इस जगह पे आना है, और आपको अपना एम ट्रांसफ़र करना है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है गाइस, इससे आपका एम ट्रांसफ़र करना बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एरेंगल और टीडीएम सबके लिए यूज़फुल है, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। और अभी तक जितनी मैंने ट्रेनिंग बताई है, उसका यूज़ आप आराम से एरेंगल में भी कर सकते हैं, मतलब आपका गेम प्ले ही बहुत अच्छा हो जाएगा, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसको। इसमें क्या करना है कि सामने वाले अगर दो बंदे आ जाते हैं, तो उस पर आप जल्दी से कैसे मार सकते हो उसको, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको अपना एम एक के ऊपर फिर दूसरे के ऊपर ऐसे ट्रांसफ़र करना है, और मेरे जॉयस्टिक पे आप ध्यान दीजिए, जॉयस्टिक का यूज़ मैं कर रहा हूँ, जिगल कर रहा हूँ, मतलब जिससे कि सामने वाले का जो एम है वो मेरे पे कनेक्ट नहीं हो और वो आसानी से मुझे नहीं मार सके, और आप दो बंदों को या तीन बंदों को आसानी से डाउन कर दो। तो इसकी प्रैक्टिस गाइस बहुत अच्छे से करनी है आपको, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका गेम प्ले इम्प्रूव होगा। सो गाइस, जो मैंने आपको ट्रेनिंग बताई है, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि मैं और भी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ टीडीएम टिप्स एंड ट्रिक्स पे। तो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।